ऊंची दुकान फीके पकवान। आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी क्यों नहीं है बच्चों को समानता का अधिकार? आखिर हॉस्टल के वार्डन ने क्यों बना रखा है खौफ का माहौल, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में जेल जैसी पाबंदी? क्यों मिलती है डोनेशन से एडमिशन लेने वाले बच्चों को हर बात में प्रेफरेंस? मैं एक बार फिर आ गया हूं एक और कॉलेज का रियलिटी चेक करने। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना करण सर फ्रॉम colleges18.com। मैं आपके लिए अलग अलग कॉलेजेस के 100% ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यूज एंड डिटेल्स लेके आता हूं, ताकि आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए और आप सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सके और फ्यूचर में रिग्रेट करने से बचे। जीडी गोयका यूनिवर्सिटी का नाम तो आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा। सुना हो भी क्यों ना, आखिरकार दिल्ली एनसीआर की टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से आती है ये यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जीडी गोयका ग्रुप की लेगेसी तो पहले 28 सालों से चली आ रही है, और आज हम जानेंगे जीडी गोयका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के बारे में, जो कि 2013 में एस्टेब्लिश हुई। So instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. चलिए जानते हैं कॉलेज की लोकेशन के बारे में और जानते हैं वहां आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 53 एंड 54 रैपिड मेट्रो, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी दिल्ली से बस 27 किलोमीटर की दूरी पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल व्हीकल से आप आसानी से पहुंच सकते हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी अपनी बस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 65 एकर्स में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा कैरिकुलम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कॉलेज फुल्ली वाईफाई अनेबल्ड है, फुली एयर कंडीशन है, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, कन्वीनियंस स्टोर्स, जिम, हॉस्टल फैसिलिटीज, मेडिकल अरेंजमेंट्स और डिजाइन स्टूडियो, मोट कोर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं इस कॉलेज में। अब गौर करते हैं कॉलेज के एग्रीडेशन एंड अप्रूवल की। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। इट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, एग्रीगेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एफिलेटेड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड मेनी मोर सच रिकॉग्नाइजेशंस। अब जानते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। आप दो तरीकों से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, primarily on the basis of merits and secondly by appearing for entrance examinations, जिसकी information आप screen पे देख सकते हैं, और बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे number 7831-888-000 पे call करके हमारे professional and expert counselors के साथ connect करके सारी details ले सकते हैं। Scholarship और fees concession की अगर बात करें तो करीबन 10% का स्कॉलरशिप मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो 60-70 की रेंज में आते हैं, 70-80 की रेंज में आने वाले 20%, एंड इसी तरह अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कॉलेज में गिवन है। पर 100% तक स्कॉलरशिप वेव ऑफ करता है ये कॉलेज अगर आपकी परसेंटेज 92-100 की रेंज में है। फैकल्टी पे अगर गौर करें तो काफी उमदा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है विद रिमार्केबल टीचिंग स्टाइल।
सभी डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज में उनके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। साथ ही यूनिवर्सिटी के कई इंटरनेशनल टाइप्स है, जैसे कि अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, सिनेका यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर। अब जानते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, एलएनटी कंस्ट्रक्शन, शाहपुर जी, पलौन जी, डीएमआरसी, एआर कॉप जैसी 75 प्लस रिक्रूटमेंट पार्टनर्स अवेलेबल हैं, अलोंग विद एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट सपोर्ट। हाईएस्ट पैकेज वाज 17.55 लाख रुपीस पर एनएम का गया था अकॉर्डिंग टू दी कॉलेज वेबसाइट। मिनिमम पैकेज 3 लाख रुपीस का गया था। अब जानते हैं फेस्ट और इवेंट्स पर। तो भैया, बड़ी यूनिवर्सिटी है तो तामझाम भी बड़े होने तो लाजमी है। फैशन शोज, रैम वॉक, फ्रेशर पार्टी, कुकरी शोज, कॉन्सर्ट, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, सबकी तो पूरे साल भरमार लगी रहती है। यही नहीं, एमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा को भी कैंपस में देखा गया था। यानी कि जगमगाते सितारों की कमी नहीं है इस कॉलेज में आने की। अब जानते हैं कॉलेज के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और उनकी रिस्पेक्टिवली कितनी फीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीबीए में करीबन 3.1 लाख रुपीस पर एनएम की फीस है, एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए। एमबीए की फीस करीबन 3.75 लाख रुपीस पर एनएम की है, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। बीटेक में 1.40 लाख रुपीस और इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस मेंशन है, जो कि आप हमारी दी गई स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, यानी कि फैसले की घड़ी। Now it's time to discuss where this college is appropriate for you or not. तो जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो पढ़ाकू होते हैं, दूसरे जो मस्तीखोर होते हैं। तो आप वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और आपकी पॉकेट भी अलाउ करती है, तो दोनों ही तरीके के बच्चे इस कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का सारा इंतजाम है, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी बुक्स है और साथ ही अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, फेस्ट और इवेंट्स भी अच्छे से होते हैं। तो दोनों तरीके के बच्चों के लिए अच्छा खासा अरेंजमेंट कॉलेज ने करके रखा है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। होप आपको मेरी इस वीडियो से पूरी तरह मदद मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और एडमिशन के समय उन्हें इस वीडियो के थ्रू जरूर मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।